खबर जांजगीर से। जांजगीर चंपा जिले बलोदा थाना पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 बाइक को भी जब्त किया है। अमन नायक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 1 दिसंबर को शाम 6 बजे बछौंद गाँव में 2 बाइक में 5 लोगों ने 30,000 रुपये और मोबाइल की लूट और मौके से फरार हो गए। युवक अमन नायक अपने दोस्त दीपांशु गुप्ता के साथ मामले की रिपोर्ट कराने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना के बाद सिवानी गांव के युवक आकाश राठौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि जांजगीर के राज राठौर नैला के कोमल सूर्यवंशी और अन्य 2 नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम देना बताया। इसके बाद पुलिस ने आकाश राठौर, राज राठौर, कोमल सूर्यवंशी और अन्य 2 नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है और लूट की रकम 30,000 में से 28,000 मोबाइल को बरामद किया और सभी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। बछौद में उसके मित्र और उसके साथ में 4 अज्ञात लोगों के द्वारा जो मोटरसाइकिल और स्कूटी में बैठकर आए थे के द्वारा 30,000 रुपये, एक रेडमी का मोबाइल और एक बैग जिसमें उनके आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं उसको लूट कर ले गए हैं की रिपोर्ट पर बलोदा थाना में अपराध क्रमांक 502/21 धारा 392-395 का अपराध कायम किया गया था। मुखबिर के सूचना के आधार पर सर्वप्रथम इसमें आकाश राठौर नामक व्यक्ति की सिवनी से गिरफ्तारी की गई। उसे पूछताछ करने पर उसने जुर्म करना कबूल किया और साथ में उसने यह बताया कि उसके 2 और मित्र राजा राठौर और कोमल सूर्यवंशी सहित 2 अपचारी बालकों के साथ मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। उनकी सूचना पूछताछ पर आने पर पुलिस के द्वारा बाकी आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा भी घटना को करना स्वीकार किया गया और इन आरोपियों से लूटे गए पूरा 30,000 रुपये की राशि, रेडमी के मोबाइल और एक काले रंग के बैग को सीज किया गया है।